और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 30 नामों की घोषणा हुई है और इस लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। कांग्रेस ने आरंग विधानसभा क्षेत्र से मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को प्रत्याशी बनाया है। और आइए आपको सुनाते हैं कि टिकट की घोषणा होने के बाद शिव कुमार डहरिया ने क्या कहा। कांग्रेस की पहली सूची आ गई है, 30 नामों की लिस्ट जारी किया गया है और इस बार आरंग से फिर से श्री डहरिया जी को मौका दिया गया है। क्या है, किस तरह की चुनौती रहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो गुरु खुशवंत सिंह मैदान पर। देखिए, हमारी पार्टी को कहीं कोई चुनौती नहीं है और कांग्रेस की सरकार ने 5 साल बेहतर काम किया है और इस बेहतर काम की बदौलत हमारी सरकार फिर पुनः बनेगी। अभी छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सूची में 8 विधायकों का टिकट कटा है, उनके विरोध या दूसरे स्वरूप को किस तरह फिर मनाएगी का? नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं है, जो टिकट कटे हैं उनकी भी कांग्रेस पार्टी में भूमिका है और पार्टी उनका बेहतर उपयोग करेगी, उनको पार्टी में हमेशा सम्मान किया है। आरंग की जनता पर फिर से विश्वास जताती है, तो वो कौन कौन से काम रह गए हैं जिसको आप पूरा करना चाहेंगे प्राथमिकता से? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में तो कोई काम हुआ नहीं था। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के अलावा कोई दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी के राज में होता नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने जो 15 साल में काम नहीं हुआ वो 4.5 साल में हम लोगों ने करके दिखाया है। जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाओं में वृद्धि हुई है और आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर काम करेंगे। क्या लगता है, इन 30 सीटों का जो नामों का आप लोग तय किए, उनमें से कितने लोग जीत कर आएंगे? अभी जो 30 सीटें घोषित है उसमें 30 लोग जीत के आने वाले हैं और इसके अलावा जो हमारा टारगेट, तो हमारे प्रदेश में 90 सीटें, हमारा टारगेट 90 की 90 सीटें हैं। 29 आदिवासी सीटें आरक्षित है, 10 अनुसूचित जाति की सीटें और मैदानी क्षेत्र में 51 सीटें हैं। हम इन सभी सीटों में जीत के आएंगे। तो ये थे श्री डहरिया जी, इनको पूरा यकीन है कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उनके अनुसार से उन्हें सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जब जिस तरह से बीजेपी ने पत्ते खोले हैं किस तरह से परिणाम आएंगे तो जनता ही तय करेगी, लेकिन कांग्रेस को अपने जो सीट तय की है उन पर काफी भरोसा है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहब।